ये देखिए हो गया सेट। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए दोस्तों ऐसे बन गया मेरा सब्जी। अभी पानी डालेंगे, मसाला वसाला दे दिया है और इसमें थोड़ा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मामा चैनल, दिस इज मॉर्निंग लाइफ। आई होप शायद आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, एक्सरसाइज किया मैंने। अभी बज रहे हैं 8:30 बजे, 8:30 हो रहा है। तो मैंने एक्सरसाइज करा, अभी पसीना पसीना भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ज़्यादा वक्त तो नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसी को खा लेती हूँ। ये मैंने भी ये सब नहीं रहता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं रहता है, तो चना भी भिंगो के रख देती हूँ रात को। और तो ये वाटरमेलन मैंने कल लेके आई थी, अभी इसको मैं काटूँगी, कट करूँगी। यहाँ पे मैंने कट किया था कल, थोड़ा टेस्ट करने के लिए, तो अच्छा था, टेस्टी था, मीठा भी था, बहुत ही मीठा था। तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, मैं इसको कट करूँगी और मैं इसका क्या बनाती हूँ आप लोग देखिएगा जरूर ब्लॉग में। कंटिन्यू, ओके। फाइनली दोस्तों मैंने सारा कट कर लिया है, ये देख सकते हैं मैंने सारा कट किया है। मैं एक टू टेस्ट कर लेती हूँ, टेस्ट तो बनेगा, मैंने इतना सारा जो कट किया है तो मैं एक टू टेस्ट कर लेती हूँ। चलो मैं इसी को टेस्ट करती हूँ। बहुत ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। और एक थोड़ा खाऊंगी और थोड़ा मैं जूस बनाऊंगी, तो जूस कैसे बनाऊंगी आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, ओके। पूरा देते हैं इसमें, सब इसमें डालूंगी और उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा, क्या मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा अदरक मिलाऊंगी। ये रही अदरक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो कड़वा हो जाएंगे। उसके थोड़ा सा मैं निचोड़ देती हूँ, आओ थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। आओ मुँह से पानी आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें निचोड़ देते हैं, थोड़ा सा हो गया काला नमक, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और इसमें सादा नमक भी मिलाएंगे हल्का सा, बस इतना ही मिलाएंगे। और पुदीना तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये सब्जी वाला भी नहीं आया है, तो पुदीना नहीं है। इसको लगा देंगे ढक्कन, इसको पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों बन गया है, बना नहीं अभी तक टाइम, बना नहीं है, इसको छानना होगा। इसमें डाल देती, थोड़ा सा कैरेट मिलाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं टेस्टी के लिए, या तो नहीं मिलाऊंगी चलेगा। पुदीना नहीं था तो इसको मैं छान लेती हूँ अच्छा से, छानूंगी मैं एक कॉटन के कपड़ा से या तो छलनी से, किसी से भी हम छान लेंगे अच्छा से। ये देखिए हो गया सेट। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि उनका मिठास ना ख़त्म हो जाए। ये हो गया, देख रहे हैं निकल रहा है जूस, बन के रेडी हो रहा है। डर लग रहा है कभी मेरा ये मेरे स्कार्फ ना फट उठ जाए। देखिए दोस्तों जिसका ग्राइंडर है उसको थोड़ा सा देंगे, नहीं तो सही नहीं लगेगा। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा ही देंगे, ज़्यादा तो है नहीं। ये लीजिए, लीजिए अभी इसमें डाल देते हैं, कितना होगा टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट तो नहीं पीना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इतना सारा है, एक गिलास हो गया था, लेकिन भाभी को थोड़ा देना पड़ा क्योंकि उसका मिक्सर ग्राइंडर लेके आए थे, तो उसको चलो टेस्ट किया जाए। वो भी बोले कि नहीं देती है कुछ, तो कभी कभी लेके आते हैं ना, तो ज़रूरत पड़ जाता है तो लेके आते हैं, तो इसीलिए हमको भी देना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। अब इसका इंजॉय कर लेते हैं, देहाती लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन
पुदीना रहने से अच्छा होता, ज़िंदगी में पहली बार हम जूस बना रहे हैं, सही बात है, कभी नहीं बनाए थे, कभी नहीं, लेकिन आज मैं बनाई खुद के हाथों से। ऐसे भी मैं उसका कभी जूस उस नहीं पीते, कभी कभी मैं गन्ना जूस पिया करती थी, लेकिन कुछ ऐसे जूस नहीं पिए हैं, लेकिन आज पहली बार वाटरमेलन का जूस। तो चलिए इसको पी लेते हैं। बहुत अच्छा है, उसमें आइस क्यूब मिलाते ना तो और बेटर होता, पुदीना आइस क्यूब और रहता तो और ज़्यादा बेटर होता, लेकिन टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, मैंने अपनी खुद के हाथों से बनाया। सही में घर में बना हुआ चीज़ बहुत ही अलग होता है। क्या हो गया, डिस्टर्ब करे कभी कभी, बीच बीच में लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा अदरक मिलाए थे और नींबू मिलाए थे थोड़ा सा, तो इसीलिए इसका स्वादिष्ट ही कुछ अलग है। क्या बात है, ऐसे ही रोज़ मिलेगा ना दोस्तों तो मैं लाल लाल हो जाऊँगी। रोज तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश हमेशा रहना चाहिए कि कभी कभी जूस बना चाहिए, सप्ताह में एक बार दो बार खुद से बनाया हुआ जूस। मैं यार एक बार ट्राई करूँगी पालक की जूस, मैंने यूट्यूब में देखा है पालक का जूस, तो मैं एक दिन ट्राई ज़रूर करूँगी, ट्राई करना ज़रूरी है। तो पी लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है, अभी पी लेते हैं। A few moments later. देखिए दोस्तों, ये है मशरूम, मैंने कल लेके आई थी, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे क्योंकि कीड़ा मकोड़ा जो रहता है वो मर जाएगा। मैंने गर्म पानी डाल दिया, इसको थोड़ा सा रहने देंगे, ओह 5 मिनट के लिए इसको भिंगो के रखेंगे। तब तक इधर मैं करेला भिंगोई है, उस करेला बनाती हूँ, बना लेती हूँ दोस्तों। उसके बाद में ब्राउन हो गया है, अब मैं देंगे इसमें, ये रहा मेरा सब्जी, आज की सब्जी मशरूम है, कैप्सिकम है, आलू है, ब्रिंजल है, और बस हो गया, इसमें देती हूँ। इसको ढक कर निकाल लेते हैं, ऐसे ही बनाते हैं हम देसी स्टाइल, देहाती स्टाइल। कितना सारा सब्जी है देखिए, तो इतना तो सब्जी नहीं मिल रहा था, नमक दे देती हूँ थोड़ा ताकि वो गल जाए जल्दी से, बस हो जाएगा, मुझे ज़्यादा हो जाएगा, नमक ज़्यादा होने से अच्छा नहीं लगता है, कम होने से कोई उपाय है, ज़्यादा खाने से क्या उपाय है आप लोग बताइएगा, तो नमक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या उपाय है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ, और थोड़ा अंदाज़ा भी है, एक दिन का काम नहीं ना है, रोज का काम है, इसीलिए अंदाज़ा हो जाता है कितना देना है नहीं देना है, तो काम कर देते हैं। तो मैं ढक्कन लगाती हूँ ताकि पानी निकल जाए, और इधर भी देना है, थोड़ा सा हल्दी देना है इसमें। देखिए दोस्तों, आधा बन गया है, मसाला नहीं दिए हैं, मसाला देंगे फिर रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, वाव, अभी तो बाकी है, हुआ नहीं है, वाव 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 मत करो, अभी है टाइम पकने में, क्योंकि लो फ्लेम में पका रहे हैं, इसीलिए इसको और 10 मिनट ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे बन गया मेरा सब्जी, अभी पानी डालेंगे, मसाला वसला दे दिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा सब्जी मतलब ये नहीं बनाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इधर चढ़ा दिए हैं साग, करेला तो हो गया, जो पानी डाल दिया उसमें ढक के रख देते हैं, हो जाएगा तब तक, इसको मैं बंद कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा सलाद भी रेडी हो गया है, इसमें नमक नहीं दिया है, सलाद भी रेडी हो गया, सब्जी भी रेडी हो गया है, देखिए ये मेरा सब्जी दिखाते हैं आप लोग, देख सकते हैं पूरा टेस्टी टेस्टी बना है, तो ट्राई नहीं किया है, देखने में टेस्टी है, खाने में भी टेस्टी होगा। हाय दोस्तों, मैं खाने बैठी हूँ, और मैं क्या क्या
लेके आए, क्या क्या खा रही हैं आप लोग उनको दिखाऊंगी। मतलब बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा आइटम खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वेरायटी के। अब दिखाती हैं आप लोगों को, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितना सारा आइटम आज बनाए हैं, इतना दिन के बाद मैं खा रही हूँ, गजब। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है करेला की भुंजिया, ये है हरा साग की भुंजिया, ये चावल और सलाद है। इधर में मेरा मशरूम, आलू वगैरह वगैरह जो सब्जी था वो था मशरूम की सब्जी, और इधर मेरा दही। देखिए दोस्तों, कि देख सकते हैं कितना सारा मैंने आज बनाया है, पूरा पूरा बनाए हैं। लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ, मैं खा लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, कितना टेस्टी होगा पता नहीं, टेस्ट करते हैं। थोड़ा झाल है, कोई बात नहीं, झाल झूल अच्छा लगता है, लेकिन मशरूम है ना, टेस्टी तो होंगे ही। तो खा लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। फाइनली दोस्तों, मैंने खाना खा लिया और पानी भी पी लिया। अभी मैं बैठे हुए तो मैं सोच रही ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोगों को कैसे लगा ये मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो मेरा चैनल पे नहीं हुआ है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।